मुझे मत बताएं कि विदेशी क्या लेकर जाएंगे। जनता के संघर्ष के लिए तैयार है दिव्या मलेना। आइए नई ओसिया की कल्पना करें, आइए ओसिया के विकास को लेकर चलें और ओसिया को अब हिंदुस्तान नहीं विश्व के पटल में टेलीग्राफ और द लंडन टाइम्स में छपाएं कि ओसिया कितना संघर्ष का प्रतीक बन सकता है, किस संघर्ष का सूचक और पर्याय बन सकता है। आइए उठिए, ओसिया के नए संकल्प के साथ हम चलेंगे, ओसिया के नए ध्वज और सूरज को सलाम करेंगे। मैं वो बेटी हूँ जो आपके आशीर्वाद से रण में आई हूँ और मैं किसी चुनौती से नहीं डरती हूँ। चुनौती दो तरफा होगा, तीन तरफा होगा, चुनाव में जीत हमारी होगी, ये लिख लीजिए। हमारी पक्की तो अभी बीजेपी का कार्यकर्ता गाड़ी का गियर नहीं लगा रहा कि नहीं अपने झांसे में नहीं आना, लेफ्ट और राइट पता नहीं किसकी टिकट खुलेगी। किसी को मिठाई खिला दी, टिकट दूसरी की खुल गई, फोटो खींच गई तो वो बैंड बजाएगा। इसलिए आपके लिए, आपके मान सम्मान के लिए मैं इस संघर्ष और इस जीवन राजनीतिक जीवन में खड़ी हूं। मैं जिस तरीके के निम्न प्रहार का शिकार हो रही हूं उसमें मेरा गुनाह यह है कि मैं बिना झुके बिना समझौतों के आपके लिए संघर्ष कर रही हूं। यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कैसे एक लड़की विकट परिस्थितियों से निकलकर ओसिया के मान सम्मान को हिंदुस्तान के पटल पर स्थापित कर रही। ये जलाना सुरक्षा के भाव और इन सुरक्षा के भावों के ये तीर मुझको नहीं खुद की संस्कृति को छलनी कर रहे हैं। मुझ पे जितना प्रहार करोगे, जितनी अभद्र शब्द बोलोगे, जितने व्यक्तिगत आरोप लगाओगे, मैं उतनी सोने की तरह निखर कर निकलूंगी। मैं अंत में यही कहना चाहती हूं, करीब 10 बजने को है और रात की 10 बजे 6000 से ज्यादा की है भीड़ जो आशीर्वाद के रूप में मुझे संबल दे रही है कि दिव्या खड़ी हो जाओ, महिपाल जी की जगह हम आपके पिता और भाई और ढाल बनकर आपके साथ खड़े हैं। 5 साल का यह कार्यकाल मेरे जीवन का सबसे कठिन कार्यकाल था। 1 साल की अवधि से ज्यादा हम अस्पतालों में थे, कभी बेंगलोर कभी बंबई, इस आस में कि जीवन मिल जाए, इस आस में कि मेरे पिता मेरे पास आ जाएं, लेकिन जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि विधि हाथ, जन्म किसका कहां होगा, किस परिवार में होगा, किसकी मृत्यु कब आएगी,
होगा, कब होगा, किसके घाटा कब होगा, कब यश आप पे मेहरबान होगा, कब ऐश्वर्य आएगा और कब अब यश आएगा, ये सब विधि के और कर्म के लेख हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनको भी वनवास जाना पड़ा था और वनवास जब 14 साल की काट कर वापस आए तो एक आम धोबी की तर्जनी पर माता सीता को भी श्री राम को त्यागना पड़ा था, उन्हें भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। माता सीता को भी उस कर्म के यश और अपयश के खेल पे, उस धोबी की तर्जनी पे राम को कहना पड़ा कि नहीं, मुझे उस आम व्यक्ति की आवाज तो सुननी पड़ेगी, मुझे मत बताएं कि विदेशी क्या लेकर जाएंगे, दान मांगने न कभी गए हैं न जाएंगे, मैं अपनी चुन्नी में परशुराम मदेना और महिपाल मदेना की कड़काई और उसूल लेकर आई हूं। अगर अभय दान मांगेंगे और सर झुकेगा तो सिर्फ राजस्थान में ओसी और किसान के आगे झुकेगा, वो सारी क्या जो हर दर पर झुक जाए। स्वाभिमान की राजनीति करती हूं, वरदान मांगूंगी नहीं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले वो मंजूर है मुझे, लेकिन हाथ फैलाकर कभी वरदान किसी से नहीं मांगूंगी। मैं कभी स्वाभिमान नहीं बेचूंगी, मैंने ईमानदारी से 5 साल काम किया है, मुझे किसी की ललकार की डर नहीं है। मैं यहां से चौतरफा चुनौती आज देकर जा रही हूं ओसिया के समग्र विकास के बिगुल के साथ। आइए उठ खड़े होइए, अपना एक हाथ ऊपर कीजिए,